हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन माय सेल्फ वुमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 15। बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ए वॉशिंग मशीन इज मार्क्ड एज 7500। तो अपने लिख लेते हैं मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ये आपके पास है, देखिए ₹7500। द डीलर अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8%, 5%, 2% ऑन इट, व्हाट इज द नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, देखिए देखिए, अब यहाँ पर मार्क प्राइस है आपके पास ये 7500। ठीक है, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको 8% डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट देने के बाद में जो सेलिंग प्राइस आएगा, जो प्राइस आएगा, उसके ऊपर आप देंगे 5% डिस्काउंट। 5% माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू आएगी उसके ऊपर आप डिस्काउंट देंगे 2% का, और फाइनली जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, नेट सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने बात करते हैं फर्स्ट डिस्काउंट। ठीक है, दैट इज 8% ऑफ 7500। तो 8% का मतलब 8/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 7500। ये आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 60, ₹600 आपको यहाँ पर मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पर अपने लिखते हैं नेट सेलिंग प्राइस, या फिर नेट प्राइस लिख देते हैं क्योंकि सेलिंग प्राइस नहीं है, नेट प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 7500 माइनस 600। ठीक है, तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा आपके पास ₹6900। तो यहाँ पर आपके पास जो अब नेट वैल्यू आई है उसके ऊपर आपको देना है 5% का डिस्काउंट। तो बात करते हैं सेकंड डिस्काउंट, दैट विल बी कैलकुलेट ऑन 6900 इज 5% ऑफ 6900। 5% का मतलब 5/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 20 से 20 कैंसिल, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 6 जा 30 प्लस 4, ₹345। ठीक है, तो बात करते हैं नेट प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट। तो आफ्टर सेकंड डिस्काउंट जो है आपके पास हो जाएगा 6900 माइनस 345, माइनस कर देते हैं यहाँ पर अपने, ये आपके पास आ गया ₹6555। उसके बाद फाइनल जो डिस्काउंट है, जो कि है आपका थर्ड डिस्काउंट, ये आपका है 2% ऑफ 6555। ठीक है, तो यहां से अपने 2% की वैल्यू 2/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 6555। तो यहां से देखिए, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 5 10 कैरी 1, 6 × 5 10 प्लस 1 11, 6 × 5 10 प्लस 1 11, 6 × 2 ये होता है आपके पास 12 12 प्लस 1 13 एंड डिवाइड बाय 100। 10 से 10 कैंसिल, अब 0 है, डेसिमल मूव कर जाएगा आपका लेफ्ट साइड, तो 131.1। ठीक है, या फिर ये 0 हटा देंगे तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं 0.0। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने बात करें तो आपसे पूछा गया है नेट सेलिंग प्राइस।
नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल डिस्काउंट है, दैट इज 6900, सॉरी 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 6555 माइनस 131.10, तो इसको मल्टी माइनस कर देते हैं 655 माइनस 131.10, तो यहाँ से देखिए 0 0 लगा देंगे, डेसिमल देंगे 10, तो ये 0 में से 0 गया 0, 10 में से 1 गया 9, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 1 4, तो ये आपके पास आ गया 6423.90, तो ₹6423.90, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। सक्सेसिव का मतलब आपने एक बार डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद में जो आपको बस नेट वैल्यू आई है उस वैल्यू के ऊपर आपको अगेन डिस्काउंट देना है, और जब तक आपको जितने सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है उतने आपको वहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम्स था, तो हमने 3 टाइम्स इसको माइनस कर दिया, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गई, नेट सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ गई। तो यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन 16 टू 19।